गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो चलिए देखते हैं रूल नंबर 20, क्योंकि रूल नंबर 19 तक तो आप पढ़ चुके हो और रूल नंबर 20 भी आपने पढ़ लिया है और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए आज देखेंगे रूल नंबर 21। तो सबसे पहले रूल नंबर 21 को हम नोट करते हैं कि रूल नंबर 21 में क्या दे रखा है। मान लो एक्टिव वॉइस का कोई सेंटेंस हो, और उसका स्ट्रक्चर दे रखा हो सबसे पहले सब्जेक्ट दे रखा हो उसमें, ठीक है, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में दे रखा हो कॉम्प्लीमेंट। वॉइस का कोई सेंटेंस हो और उसमें क्या दे रखा हो, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो पैसिव वॉइस बनाते टाइम हम किस रूल्स का फॉलो करेंगे, किस रूल को अपनाएंगे उसको हम देखते हैं कि पैसिव वॉइस बनाते टाइम हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। तो जो वर्ब के बाद प्रयुक्त ऑब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जो वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट लगा होता है उसको क्या कर लेते हैं, सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो इसी बात को हम लिख ले, वर्ब के बाद प्रयुक्त ऑब्जेक्ट को वर्ब के बाद प्रयुक्त ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बना लेते हैं, सब्जेक्ट बना लेते हैं। जो ऑब्जेक्ट होगा उसको क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट। वर्ब के बाद प्रयुक्त ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं और कॉम्प्लीमेंट को पैसिव में वर्ब के बाद रखते हैं। कॉम्प्लीमेंट को पैसिव वॉइस में वर्ब के बाद रखते हैं। समझ में आ रहा है? मान लो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या दे रखा हो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना लेंगे और जो लास्ट में कॉम्प्लीमेंट दे रखा है उस कॉम्प्लीमेंट को पैसिव वॉइस में वर्ब के बाद रखते हैं। चलिए इसको रूल देखते हैं। इसके एक दो एग्जांपल देखते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं एक्टिव वॉइस का, दे इलेक्टेड हिम सेक्रेटरी। दे इलेक्टेड हिम सेक्रेटरी, एस सी आर टी ए आर वाई, दे इलेक्टेड हिम सेक्रेटरी। चलिए इसको पैसिव वॉइस में चेंज करो। अभी क्या बताया था, जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसको हम क्या बना लेंगे, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। तो हमको क्या किया, हमने सब्जेक्टिव केस में ले आए हिमका, क्या हो गया, ही हो गया। अब क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म है तो क्या लगेगी, ही के साथ वॉज, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, He was elected, और जो कॉम्प्लीमेंट है उसको वर्ब के मैन वर्ब के बाद जीव गति लिख देते हैं। ठीक है,
दे इलेक्टेड हिम सेक्रेटरी का क्या हो गया, क्या बन गया, ही वाज इलेक्टेड सेक्रेटरी। सेकंड लेते हैं, एक सेंटेंस है, दे मेड हिम जनरल। ठीक है, तो इसको हम चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में तो सबसे पहले क्या आएगा, हिम का सब्जेक्टिव केस ही आ गया, हेल्पिंग वर्ब वाज आ गई, मेड की थर्ड फॉर्म मेड रहती है, मेड मेड मेड, सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है, और जो कॉम्प्लीमेंट है जो जहां है वही रहेगा, मतलब मेन वर्ब के बाद आएगा, ही वाज मेड जनरल, ही वाज मेड जनरल। चलिए एक सेंटेंस दो सेंटेंस और ले लेते हैं, जब आप दो चार एग्जाम्पल बना लेते हो तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है, तो एक एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है, एक्टिव वॉइस का हमने एक सेंटेंस लिया, ही वाज सिलेक्टेड मैनेजर, सॉरी ही सिलेक्टेड हिम मैनेजर, ही सिलेक्टेड हिम मैनेजर। क्या सेंटेंस हमारा, ही सिलेक्टेड हिम मैनेजर। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करो, अब तो बनाना सीख गए अच्छे से, इनके क्या हो जाएगा, ही हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक, और थर्ड फॉर्म के बाद क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या, मैनेजर। ही वाज सिलेक्टेड मैनेजर, ही सिलेक्टेड हिम मैनेजर का पैसिव वॉइस में चेंज किया तो क्या हो गया, ही वाज सिलेक्टेड मैनेजर। एक सेंटेंस और ले लो जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए, एक्टिव वॉइस का एक हमने सेंटेंस दिया, बी अपॉइंटेड हिम कैशियर, बी अपॉइंटेड हिम कैशियर, चेंज करो, हिम का फिर ही हो गया, सेकंड फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब वाज आ गई, अपॉइंटेड थर्ड फॉर्म है ही, सेकंड थर्ड फॉर्म एक जैसी रहती है, कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है, ये वाज अपॉइंटेड कैशियर। क्या हो गया, बी अपॉइंटेड हिम कैशियर का जो पैसिव वॉइस में चेंज किया तो क्या बन गया, ही वाज अपॉइंटेड कैशियर। चलिए रूल नंबर, नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 22, तो पहले इसको इरेज करें उसके बाद आपको रूल नंबर 22 समझाएंगे। एक्टिव बॉयज का स्ट्रक्चर, मतलब एक्टिव बॉयज का कोई सेंटेंस दे रखा हो और उसका स्ट्रक्चर क्या हो, सबसे पहले सब्जेक्ट हो, भाई एक्टिव बॉयज का कोई सेंटेंस हो उसमें सबसे पहले क्या दे रखा हो, सब्जेक्ट और फिर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव, वो भी विदाउट टू, इन्फिनेटिव कैसा दे रखा हो, विदाउट टू,
ये नहीं है कि टू के साथ ही दे रखा हो, किसके विदाउट टू के भी दे रखा हो इंफिनिटिव, और ये नहीं दे रखा हो तो क्या हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या दे रखी हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक्टिव वॉइस का कोई सेंटेंस हो उसका क्या स्ट्रक्चर हो, सबसे पहले सब्जेक्ट दे रखा हो, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इंफिनिटिव विदाउट टू, चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चाहे ये दे रखा हो इंफिनिटिव विदाउट टू दे रखा हो, चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो चलिए इसको एग्जाम्पल से आपको सीधे समझा देते हैं। तो इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहे यहाँ लिख लेना क्योंकि वहां हो सकता है आपको दिखाई ना दे, इसलिए हमने इसको नीचे लिख दिया है। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं यहाँ पे एक्टिव वॉइस का, जिससे कि आपको, ये तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर था, अभी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस ले लिया हमने, दे मेड मी लाफ। दे मेड मी लाफ, अब क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, और ये क्या दे रखा है, इन्फिनेटिव विदाउट टू या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मान लो। तो हम क्या करेंगे, जो इसमें ऑब्जेक्ट दे रखा है उसको सबसे पहले लेके आएंगे जब पैसिव वॉइस बनाएंगे। भाई अभी जिससे पहले पढ़ा था तो उसमें क्या था, कॉम्प्लीमेंट था, तो कॉम्प्लीमेंट को हमने जहां था वहीं रखा रहने दिया। इसमें इसलिए इसमें क्या है, लास्ट में ऑब्जेक्ट की बात क्या दे रखा है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो क्या करेंगे हम, जिसमें जो ऑब्जेक्ट दे रखा है उसको पहले लेके आएंगे आई, ठीक है। अब सेकंड फॉर्म दे रखी है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आई वाज, और मेड की थर्ड फॉर्म मेड ही रहती है, आई वाज मेड टू लाफ, ठीक है। क्या बन गया, दे मेड मी लाफ का आई वाज मेड टू लाफ। चलिए सेकंड सेंटेंस लिया हमने एक एक्टिव वॉइस का, ही सॉ मी सिंग ए सॉन्ग, अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करो तो क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट मी दे रखा है उसको सबसे पहले लेके आएंगे, सब्जेक्ट के रूप में आई हो गया, सेकंड फॉर्म दे रखी है यहाँ पे तो क्या है, इसके पास्ट इंडेफिनिट का है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वॉच, आई वॉच। अब साकी से देखने की जो सी होती है उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन, तो क्या हो गया, आई वॉच सीन और टू सिंग ए सॉन्ग। बाद में इसके बाद क्या होगा, वाई प्रपोजिशन लगा दिया और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा, एक बार इसको और देख लीजिए, ही सॉ मी सिंग ए सॉन्ग, तो हमने क्या किया, मी को सबसे पहले लेके आए, सब्जेक्टिव केस मी का क्या होता, आई, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई वाज सीन, फिर जो लास्ट में सिंग ए सॉन्ग उसको क्या लिखा हमने, टू सिंग ए सॉन्ग, और फिर जो शुरू में हिम दे रखा है उसको हमने वाई प्रपोजिशन लगाई और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम आ गया, तो ही सॉ मी सिंग ए सॉन्ग को पैसिव वॉइस में चेंज किया तो क्या बन गया, आई वाज सीन टू सिंग ए सॉन्ग वाई हिम। ये वाला जो सेंटेंस था उसमें वाई देम नहीं लगाया क्योंकि दे अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट में आ जाता है, आई वाज मेड टू लाफ, ये इस तरह से होगा, दे मेड मी लाफ का हमने जब चेंज किया तो क्या हो गया, आई वाज मेड टू लाफ। चलिए एक दो सेंटेंस हम लिख लेते हैं, चलिए दो सेंटेंस है वो हम आपको दे रहे हैं। फर्स्ट जो सेंटेंस दे रखा, आई मेड हिम स्टैंड, और सेकंड सेंटेंस दे रहे हैं, वी क्राउन्ड हिम किंग,
आई मेड हिम स्टैंड और वी क्राउन्ड हिम किंग. ये टू सेंटेंस है जो कि आपको करने हैं. तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ. थैंक यू.